नमस्कार दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले झारखंड में एक मामला बड़े ज़ोर शोर से चला था हुआ ये था कि वहाँ पर जो खनन का मामला है उस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने कार्यालय का अपने अधिकारों का अपने विधायक होने का इसका दुरुपयोग करते हुए निजी लाभ के लिए वो ठेके अपने एक जानने वाले को दिलवाए और उसका उन्होंने पर्सनल लाभ उठाया इन खबरों को लेकर बहुत सारा बवाल चला बीजेपी के नेताओं ने उनकी शिकायत की पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास चुनाव आयोग तक गए कोर्ट में भी मामला ये चला और उसके बाद चुनाव आयोग ने इसमें अपनी एक रिकमेंडेशन दी इसमें रिकमेंडेशन इस तरह से दी गई कि जो वहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस उनको एक चिट्ठी दी चुनाव आयोग ने और उस चिट्ठी में अपना डिसीजन लिखा कि भाई इस मामले में हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं और वो चिट्ठी पहुँच गई रमेश बैस के पास जिन दिनों ये चिट्ठी रमेश बैस के पास पहुँची ये बात है अगस्त के अंतिम सप्ताह की उस समय रमेश बैस दिल्ली में एम्स में अपना इलाज करा रहे थे दो तीन दिन के बाद वो फिर राजभवन पहुँचे वापस झारखंड में और वहाँ पहुँच उन्होंने समय लिया थोड़ा सा और समय लेने के बाद इस पर उन्होंने कोई डिसीज़न नहीं लिया और ये जो चिट्ठी है मैं आपको बता दूं कि ये 25 अगस्त को अपनी राय इलेक्शन कमीशन ने उन्हें रिटिन में दे दी थी कि आपको इस पर जो फैसला लेना है ले लीजिए लेकिन अभी तक वो चिट्ठी कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कई दिन तक तो उन्होंने चिट्ठी वो खोल ही नहीं देखी राज्यपाल ने और उसके बाद बताया जाता है कि इस पर कोई फैसला उन्होंने अभी तक नहीं लिया है इस बात को लेकर हेमंत सोरेन बड़े परेशान हैं हेमंत सोरेन लगातार शांत हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि राज्यपाल किसी तरह से इसमें डिसीजन लें कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद हेमंत सोरेन रमेश बैस से मिलने के लिए गए रमेश बैस से जब वो मिलने के लिए गए तो उन्होंने ये कहा कि साहब आपके पास एक चिट्ठी चुनाव आयोग की तरफ से आई है आप उस पर डिसीज़न ले लीजिए कि अगर आपको मेरी अयोग्यता वाला मामला है उस पर आपको डिसीजन लेना है तो ले लीजिए और सब लोग जानते हैं कि अगर अयोग्यता के मामले को सही माना और गवर्नर ने फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ लिया तो फिर वहाँ पर उपचुनाव होगा और यही चाहते हैं हेमंत सोरेन हेमंत सोरेन विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो कुछ फ़ैसला लें गवर्नर और उसके बाद उपचुनाव हों क्योंकि झारखंड में अभी चुनाव काफ़ी दूर हैं विधानसभा चुनाव उपचुनाव होना तय है चाहे रमेश बैस कितना भी लेट इस मामले को कर लें लेकिन इस पर वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं रमेश बैस के बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं अभी हाल ही में तीन चार दिन पहले दिवाली से कुछ दिन पहले की बात है शायद ये दो तीन दिन पहले की उन्होंने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत की और ये शायद आयोजन रायपुर में हुआ था रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में जब टीवी के जो होस्ट थे जिस चैनल के लिए वो कार्यक्रम हो रहा था उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप झारखंड वाले मामले में फ़ैसला क्यों नहीं ले रहे हैं तो रमेश बैस ने कहा कि इसमें फ़ैसला मैं जब लूँगा तो एटम बम का धमाका होगा और उन्होंने व्यंगात्मक लहजे में ये बात भी कही कि दिल्ली में पटाखे बैन हैं लेकिन यहाँ पर झारखंड में पटाखे बैन नहीं हैं और मेरा जो फैसला होगा वो एटम बम के धमाके से कम नहीं होगा इसके बाद बहुत सारी खबरें चलने लगी हैं सोशल मीडिया पर खबरें चली हैं कुछ अखबारों ने इस पर स्टोरीज़ की हैं और कुछ लोगों का ये मानना है इसमें एक्सपर्ट ओपिनियंस भी ली जा रही हैं देखिए रमेश बैस ने ये कहा कि मैं इस पर एक सेकंड ओपिनियन ले रहा हूँ सेकंड ओपिनियन का मतलब कि, कि मैं उन्होंने कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हूँ एक संवैधानिक पद पर हूँ और मैं नहीं चाहता कि मुझ पर उंगलियां कल को उठाई जाएं इसलिए मैं इस पर हर पहलू को देखभाल कर उसके बाद इस पर मैं डिसीज़न लेना चाहता हूं और उन्होंने एक्सपर्ट से राय इस बारे में मांगी है हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है उसने कहा है कि ना तो राजभवन के सूत्रों ने और ना ही इलेक्शन कमीशन के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि वो चुट वो चिट्ठी दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास गई है या इलेक्शन कमीशन को राज्यपाल ने कोई ऐसी चिट्ठी लिखी है कि इस पर मुझे क्या करना चाहिए इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी स्टोरी में ये भी साफ तौर पर लिखा है कि राज्यपाल को सेकेंड ओपिनियन लेने का कोई राइट right है नहीं और आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है डिसक्वालिफ़िकेशन मामला जो होता है उसमें राज्यपाल को डिसीजन लेता लेना होता है क्योंकि वो राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो एक तरीके से अगर उन्हें अगर कोई सेकंड थॉट लेना है तो राष्ट्रपति से वो तो बात कर सकते हैं इसके अलावा और किसी से बात नहीं कर सकते और इलेक्शन कमीशन अपनी राय दे चुका है और इलेक्शन कमीशन में कोई पुनर्विचार याचिका डालने का कोई प्रावधान है नहीं कि आप हा, हा, हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए या सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका डाल दीजिए तो ऐसे में उन्हें डिसीजन लेना ही होगा दूसरी ओर हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि मेरी स्थिति वो हो गई है कि मैं एक अपराधी ये कह रहा है अदालत से कि भाई मुझे सजा दो और सजा नहीं दी जा रही है हेमंत सोरेन का तो ये भी कहना है कि ये जो वर्तमान अनिश्चितता की स्थिति है जिसमें राज्यपाल कोई फ़ैसला नहीं ले रहे हैं तो ये तो मेरे लिए सजा से कम नहीं है बहुत मानसिक दबाव में हूँ और मैं खुलकर काम भी नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन सवाल सबसे बड़ा दोस्तों यही है यही चल रहा है कि आखिरकार इस मामले में फ़ैसला क्यों नहीं ले रहे हैं गवर्नर क्या उन्हें केंद्र सरकार से कुछ इसकी हरी झंडी नहीं मिली है या झारखंड को लेकर कोई और प्लान अमित शाह या केंद्रीय नेतृत्व के दिमाग में चल रहा है आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक मामला और भी सामने आया था कुछ विधायक जो थे वहाँ के पकड़े गए थे जो झारखंड के वहाँ जा रहे थे असम या बंगाल और बंगाल पुलिस ने उन्हें कैश के साथ अरेस्ट कर लिया था उनके पास बहुत सारा पैसा मिला था और उस समय ये बातें चली थी कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है ये चल रहा है फलाना ढींका चल रहा है लेकिन अब सारी स्थिति ये है कि राज्यपाल ने ये तो कह दिया है कि मेरा जो फैसला होगा बम धमाके से कम नहीं होगा लेकिन फैसला वो नहीं ले रहे हैं फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्या उन्हें केंद्र से किसी इशारे का इंतजार है या फिर इसको लेकर झारखंड को लेकर कोई रणनीति केंद्र ने बनाई है या बीजेपी ने बनाई है ये एक बहुत बड़ा सवाल है बहरहाल हेमंत सोरेन की स्थिति तो वही हो रही है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वो क्या करें उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि एटम बम वाली बात अगर राज्यपाल कह रहे हैं तो इसका मतलब फैसला उनके खिलाफ जा सकता है देखते हैं इस मामले में क्या होता है हम झारखंड के मामले पर नज़र बनाए रखेंगे और निश्चित रूप से ये खबर जब धमाका होगा तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा फिलहाल इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो ये ध्यान रखिए कि नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस किया है या नहीं अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो तुरंत कर लीजिए वरना मेरे लाइव आने का मेरी कम्युनिटी पोस्ट का मेरे नए वीडियो आने का आपको पता नहीं चलेगा झारखंड को लेकर हमारी नज़र लगातार इस मामले पर बनी रहेगी अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें